अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे और कल का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से सीखा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, चलें जी, आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं जो कि है नंबर्स पर। ठीक है, आप देखें पेज नंबर 7, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। जी, हमें बेकर अंकल नज़र आ रहे हैं। यस जी, बेकरी आइटम तो वो खाते ही होंगे ना, केक्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, ये तो आप सबको पसंद होंगे, मुझे भी बड़े पसंद हैं। ठीक है, चले आज हम देखते हैं कि बेकरी से रिलेटेड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, हमारे पास सबसे पहले बुक के पेज नंबर पर लिखा हुआ है एक चार्ट और उसके ऊपर उसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। चलें हम देखते हैं। दिस इज़ अ चार्ट शोइंग हाउ मैनी ब्रेड्स अ बेकरी सोल्ड इन द पास्ट 4 days। जी, तो एक बेकरी ने पिछले 4 दिनों में कितनी ब्रेड्स सेल की। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम में डेज हैं और सेकंड कॉलम में ब्रेड्स सोल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेकर अंकल ने थर्सडे वाले दिन कितनी ब्रेड्स सेल की हैं। जी, हमारे पास 46 लिखा हुआ है, दैट मीन्स के 46 ब्रेड्स सोल्ड हो चुकी हैं। वेरी गुड। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन, ओहो, बेकर अंकल की तो मोजे लग गई, फ्राइडे वाले दिन तो बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। अच्छा, यहाँ पर 82 ब्रेड सोल्ड हुई हैं। ठीक है, सैटरडे वाले दिन बिजनेस थोड़ा कम हो गया। जी, सैटरडे वाले दिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 ब्रेड्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, उसके बाद संडे की एग्जाम्पल लेते हैं, तो संडे वाले दिन बेकर अंकल की 104 ब्रेड्स सेल हो चुकी हैं। अच्छा बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट डेज में डिफरेंट ब्रेड्स की अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है, फिगर्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। चले अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा जी, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप उसका आंसर देंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। ऊपर जो आपने चार्ट देखा ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, ऑन विच डे डिड द बेकरी सेल द मोस्ट ब्रेड्स। बेकरी ने किस दिन सबसे ज़्यादा ब्रेड्स सोल्ड की? जी देखिए, संडे। वेरी गुड, संडे वाले दिन सबसे ज़्यादा ब्रेड्स सेल हुई। वेरी गुड, आपने लिखा संडे, आप इस ब्लैंक में संडे लिखिए। जी बच्चों, सेकंड एग्जांपल की बात करें, ऑन विच डे डिड द बेकरी सेल द लीस्ट। कौन से दिन बेकरी ने सबसे कम सेलिंग की? जी, चार्ट में देखिए और बताइए। सैटरडे, सैटरडे वाले दिन बहुत कम सेलिंग हुई, जो कि 30 ब्रेड्स की थी। अच्छा, अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे हम, ऑन विच डे वर 46 ब्रेड्स सोल्ड। कौन से दिन 46 ब्रेड्स सोल्ड हुई। ठीक है, सो आप देखिए ऊपर चार्ट में, हमारे पास थर्सडे वाले दिन 46 ब्रेड सेल हो गई। ठीक है बच्चों, अब आप अगली एग्जांपल आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, हाउ मैनी ब्रेड्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे। हफ्ते वाले दिन कितनी ब्रेड्स सेल हुई? जी कितनी हुई, कौन बताएगा? 30 ब्रेड्स। ठीक है, आप लोगों ने ऊपर दिए गए चार्ट की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर ब्लैंक्स में लिख दिए। ठीक है, अब हम पेज नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स पहले से पढ़ चुके हैं। चलें हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इज असेंडिंग ऑर्डर। फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, असेंडिंग। फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, असेंडिंग। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम हाईएस्ट
टू लोएस्ट डिसेंडिंग, फ्रॉम हाइस्ट टू लोएस्ट डिसेंडिंग, हाइस्ट टू लोएस्ट डिसेंडिंग। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। हमारे पास सबसे पहले 31, 83, 26 एंड 64 नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमने इन्हें अरेंज करना है, सबसे पहले असेंडिंग में और उसके बाद डिसेंडिंग में। अच्छा, चलें इसको सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप जब लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए सबसे छोटा आपके पास जो नंबर है वो कौन सा है। हमारे पास सबसे छोटा 26। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उससे बड़ा कौन सा है, 31। उसके बाद देखिए हमारे पास 64 और उससे बड़ा 83। तो ये हमारा हो गया लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो इसमें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट नंबर यहाँ से लेंगे और हाईएस्ट नंबर आपके पास कौन सा है, जी 83, वेरी गुड। उसके बाद उससे लोएस्ट पर आएंगे 64, उसके बाद 31 एंड 26। ठीक है बच्चों, आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, उसके बाद आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपकी ट्यूटर आपको कॉल करके आपके आज के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगी। अल्लाह हाफिज़।